गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेंगे। उसका इंट्रोडक्शन होगा। मेनली हमने जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो चार चीजें हैं, रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड यूनिटी मेथड्स। यूनिटी मेथड्स है उसमें रेशियो और इक्विवेलेंट रेशियो है, एंड देन प्रोपोर्शन एंड यूनिटी मेथड। इन सब के बारे में, पहले रेशियो के बारे में, देन इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में, कितने डिफरेंस है उसके बारे में कहेंगे। फर्स्ट हम लेंगे रेशियो। कोई भी चीज़ को कंपैरिजन करने के लिए हम रेशियो यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ की कंपेयर करनी है कि इसके साथ में ये लोग इतने हैं, तो उसे कहेंगे रेशियो। और कोई भी चीज़ है कि जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर हमारा में बॉयज़ है, वो एक क्लास में बॉयज़ 20 है और गर्ल्स है वो सारी है 15। अब बॉय के साथ में गर्ल्स कितनी है उनका रेशियो है कि हमारी क्लास है उसके कितने बॉयज़ है और कितनी गर्ल्स है, उनका रेशियो निकालना पड़ेगा हमें। सो बॉयज़ है वो कितने हैं, 22 गर्ल्स। अब पहले गर्ल्स टू बॉयज़ टू गर्ल्स, गर्ल्स के साथ बॉयज़ कितने हैं उनका रेशियो निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारे बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स सामने लिखेंगे, नीचे लिखेंगे गर्ल्स, जिसके रेशियो जिसके में दिए गए, पहले जो दिया है उसे ऊपर लिखेंगे, नीचे दे दिया है इसे नीचे लिखेंगे। ऊपर 20, नीचे 15, हो गया 20 एंड 15। अब हम क्या करेंगे, इसके फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन से हमें जो भी हमारे डिवीजन करेंगे उसके बाद में जो हमें मिलेगा वो हमारा रेशियो होगा। फर्स्ट हमारा रेशियो होगा, फर्स्ट 15 है, 2 4 एंड 5 3, तो 4/3 आया आंसर, जो 15 है 5 5 4 20 and 4 4 5 3 15 दिया हमने, तो जो 3 4/3 आया, तो ये हमारा रेशियो है। जबकि हम ये कह सकते हैं 4 3, इसे रेशियो में हमें इसे लिखना है 4 3। प्रोपोर्शन 4 है उसको 3, ये हमारा फर्स्ट जो है 4 3 मिला, 4/3 ये हमारा रेशियो है कि गर्ल्स जब 4 बॉयज होते हैं तब गर्ल्स 3 होती है। कोई भी रेशियो ऐसे ही होता है कि कोई इसके साथ में इतने कितने, जब भी हम कहेंगे कि हमारे क्लास में हर 4 बॉयज में से 3 होगी, हर 4 बॉयज से साथ 3 गर्ल्स होगी, ये हमारा रेशियो है। एक गर्ल नहीं होगी, जो हमने जो 20-20 है तो दोनों सेम हो जाएंगे, 1:1 रेशियो हो जाएगा। बट हमारे 20-15 रेशियो है, इसीलिए हमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो। अब इसका उल्टा करेंगे, गर्ल्स टू बॉयज, पहले हमने क्या लिया था, बॉयज टू गर्ल्स, अब हम गर्ल्स टू बॉयज। तो पहले लिया हमने गर्ल्स टू बॉयज, तो पहले गर्ल्स हम ऊपर लिखेंगे और हमारे डिवीजन में हमारे नीचे के पार्ट में क्या लिखेंगे, बॉयज। अब देखो 50/10 इज इक्वल टू 3 5 सेम आएगा 3/4, सो गर्ल्स टू बॉयज 3 4 एंड बॉयज टू गर्ल्स 4 3। याद रखे, देखो बॉयज टू गर्ल्स हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है हमें पहले देखना होगा बॉयज टू गर्ल्स पूछा गया है या गर्ल्स टू गर्ल्स गर्ल्स टू बॉयज पूछा गया, ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे हमें किस तरह लिखना है। अगर जो बॉयज टू गर्ल्स आया तो हमें फर्स्ट वाला आंसर लिखना है 4 3, एंड जो गर्ल्स टू बॉयज आया तो 3 4। सो हमारी गर्ल्स का रेशियो मिल गया, बॉयज का रेशियो मिल गया, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट। अब बॉयज टू टोटल स्टूडेंट हमारा नया रेशियो बनाएंगे, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट में से बॉयज कितने हैं उनका रेशियो। तो टोटल पहले तो टोटल स्टूडेंट करने पड़ेंगे गर्ल्स और बॉयज के, सो 15 एंड टोटल कितने हुए 35 हुए, तो 35 हमारे टोटल हुए। तो बॉयज टू टोटल आएंगे, तो पहला बॉयज कितने होंगे, बॉयज के नीचे टोटल स्टूडेंट, टोटल लिख दो तो चलेगा, बट टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू बॉयज कितने हैं 20 है, देन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35, सेम वे 5 4 20
and 3 fifths are 7 fifths are 7 4 upon 7. हमने 4 जेम 7 हमारा रेशियो मिल गया. हम ऐसे ही सारे रेशियो लेंगे 4 जेम 7 मिल गया हमें रेशियो. अब हम उल्टा कर सकते हैं स्टूडेंट टू बॉयज. स्टूडेंट टू बॉयज में क्या आएगा 7 जेम 4 उल्टा आएगा बॉयज टू. अब आएंगे राम एंड श्याम. ओके राम एंड श्याम उनके बारे में लिखना है. राम टू श्याम उन्हें एक रेशियो दिया गया है 2200 पैसे और श्याम के पास है 3 रुपीज. अब हम देखो यहाँ पे रेशियो में एक पैसे दिए गए हैं दूसरे क्या दिए हैं रुपीज दिए गए. दोनों की क्वांटिटीज अलग अलग है. राम टू श्याम हमें लिखना है दोनों की क्वांटिटीज अलग अलग है तो हमें पहले उनकी क्वांटिटीज सेम करनी पड़ेगी. या रुपए तो दोनों रुपए में आने चाहिए पैसे तो दोनों पैसे में आने चाहिए. दोनों अलग अलग हम नहीं लिख सकते. सो पहले हम इसे रुपए को कन्वर्ट करेंगे पैसे में. दोनों की जो हमारी क्वांटिटीज होती है वो सेम ही होनी चाहिए. सो पहले हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे. हम पैसे को भी रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं बट इट विल बी हार्ड. वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा इसीलिए हम क्या करेंगे पैसे को रुपी में कन्वर्ट करेंगे. कैसे एक पैसा एक रुपी बराबर 100 पैसा तो 300 रुपीज बराबर कितने होंगे 3 रुपीज है तो कितने होंगे 300 पैसे. 200 पैसे अपॉन 3 है रुपीज में है ना. कितने रुपीज लिखेंगे 1 रुपीज बराबर 100 पैसा तो 3 रुपीज बराबर कितना 300 पैसा आया 300 पैसे. अब हम इसमें से कैंसिल करेंगे. रेशियो में कभी यूनिट होता नहीं है बिकॉज कभी भी रेशियो यूनिटल स्ट्रक्चर होता नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे जब हम लिखते हैं कंपेयर करते हैं किसी क्वांटिटी को तो दोनों की दोनों निकल जाती है. तो 2 जेम 3 राम टू श्याम इज रू जेम टी एन श्याम टू राम इज अ 3 जेम 2 उल्टा हो जाएगा. पहले क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी. क्वांटिटी सेम करने के बाद दोनों को निकाल देना है और लास्ट में हमें जो रेशियो मिला उसके हमें स्टिक टू रहना है कि 2 जेम 3 राम के पास 2 है तब श्याम के पास 3 पैसे. ओके ये रेशियो है हमारा. आगे हम लेंगे इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में जानेंगे. इक्विवेलेंट इक्वल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मींस सेम होना. कभी भी कोई रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा. इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 जेम 5 एंड 3 जेम 5 तो ये दोनों सेम ही हुए ना. अब हम क्या करेंगे 3 जेम 5 को दोनों तरफ लिखा. अब एक को है दोनों को अलग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे 3 को भी अलग से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को भी अलग से मल्टीप्लाई करेंगे. ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लीकेशन होगी इसीलिए दोनों इक्विवेलेंट कहा जाएगा. इक्विवेलेंट मींस दोनों सेम हो जाएगा. नंबर अलग दिखेंगे बट एग्जांपल देखो 10 अपॉन 4 एंड 20 अपॉन 8 दोनों सेम हुए. क्यों कैसे सेम हो सकते हैं इन दोनों के नंबर्स तो अलग है. दोनों जेम भी अलग है रेशियो भी अलग है बट इन अदर सेंस दोनों सेम है. कैसे देखो हमने इसे नॉर्मल सिंप्लीफाई किया 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू 20 अपॉन 8. अब 10 है इज 2 5 10 एंड 2 × 2 इज इक्वल टू 4 सो 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2 आंसर मिला हमें 5 अपॉन 2. सेम वे हम यहाँ पे 20 जेम 8 का करेंगे 20 अपॉन 8 क्या हो जाएगा 5 4 8 एंड 4 2 8 जो हमारा मिला तो 5 अपॉन 2 दोनों के दोनों रेशियो है सेम आए. जो रेशियो है वो ऑलवेज सेम आए. दैट्स मीन्स हमारे रेशियो सेम आए दैट मीन्स हमें कहना पड़ेगा कि दोनों के दोनों इक्विवेलेंट रेशियो है सेम है. अगर नंबर अलग दिखने के बाद भी रेशियो है वो पूरा सेम आता है. वो अगर और एग्जांपल लेंगे
10 upon 7 and 2 28. तो इसमें क्या दोनों इक्विवेलेंट है कह दिया है, तो हमें क्या करना है पहले देखना है कि 10 को कितने से हम करेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट रेशियो मिलेगा. 10 एंड 7 के बीच में हम कुछ नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा कितने नीचे है. 3 है, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो ऊपर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर रेशियो का मिल जाएगा. रेशियो हमेशा सेम होता है. देखो यहाँ पे 7 है, 7 को 3 के साथ हम करेंगे तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे. 4, 7 4 जा 28. अब जितना हमारा एक रूल है, जितना हम नीचे ऐड करते हैं उतना ही हमें ऊपर करना पड़ेगा. सो 10 इंटू 4 जो हमारा आंसर होगा वो सेम हो जाएगा. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा अथवा डिविजन आएगा, दोनों के दोनों चीजें हम कर सकते हैं. 40 मिल गया, आंसर कनेक्ट मिल गया. एग्जाम्पल हमारा क्लियर हो गया कि हमें कोई भी इक्विवेलेंट किया गया है. अब 25 अपॉन 35 इज इक्वल टू 5 अपॉन नथिंग. अब हमें क्या करना है, पहले हमने मल्टीप्लीकेशन किया, अब हम डिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि इस बार तो हमें सामने कम लिया गया है तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा. 25 हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं. सो डिवीजन के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 5 है, कितने में 5 हो जाएगा, 5 5 25 होगा. तो 5 के साथ हमने डिवीजन किया, 5 के साथ डिवीजन करने के बाद तो नीचे भी 5 के साथ डिवीजन करना पड़ेगा. 35 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा हमें आंसर. 35 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 7, सो आंसर इज 5 अपॉन 7. जब ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमने कहा गया हो इक्विवेलेंट जब कहा गया हो तब. अब हम 11.2